बौरतरा कला के ग्रामीणों ने बिलासपुर आईजी से टिल्फी चौकी प्रभारी के विरुद्ध झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर राशि वसूलने की शिकायत की है। पूरा मामला टिल्फी चौकी के बौरतरा गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी पर कुछ सिपाहियों की मदद से घर के सामने गांजे के पैकेट और खड़ी मोटरसाइकिल की डिक्की में शराब रखवाने के बाद बेकसूर लोगों को चौकी ले जाकर मोटी रकम वसूल की जा रही है। इसकी शिकायत आईजी कार्यालय बिलासपुर में एक महीने पहले ही की गई थी और इसके बाद भी आज तक कार्रवाई तो दूर की बात है, जांच में नहीं की गई। पूरे इस मामले पर चौकी प्रभारी का कहना है कि मुझे झूठी शिकायत करके फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस शिकायत के संबंध में एसपी का कहना है कि लौर में एसडीओपी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके हम लोग आईजी के पास गए थे और एसपी के पास भी गए थे और इसके बारे में आज तक जांच भी नहीं हुआ, क्योंकि चिल्फी प्रभारी जो कोशरिया है वो कई जनों के पास कई तरह से है, जैसे किसी की गाड़ी में डिग्गी में शराब डलवा देता है, उसके बाद उसकी कोई जांच नहीं हुआ है। हम लोग इसका शिकायत चौकी प्रभारी चिल्फी वाले का शिकायत करने के लिए आईजी पास एसपी पास ज्ञापन दिया गया है समस्त ग्राम वासी के द्वारा एवं व्यापारियों के साथ में, और उसमें अभी तक की कोई जांच नहीं हुआ है। खेत में था सड़ा गला जैसे तंबाकू जैसे पदार्थ मिला था, आसपास गांव वाले को पूछे, घर वाले को पूछे तो बताए कि हमारा नहीं है, किसी आने जाने वाले व्यक्ति के गिरा होगा। बताया सब गांव के सभ्रांत व्यक्ति हैं आसपास वाले, कोई नशा पानी वाले नहीं है, ऐसे बताए, जिसकी सूचना हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को देके वापस आए।